पता ही है कि आजकल की चल रही है, सारे बच्चों का क्रेज ही है कनेडा जाके सेटल होने का। काफी बच्चे घूमने लिए भी जाना चाहते हैं, तो जिहड़े बच्चे घूमने लिए जाते हैं अपने कोई रिलेटिव उधर रह रहे हैं उन्होंने कोल जा रहे हैं, तो मोस्टली बच्चे की कर रहे हैं विजिटर वीजे पर जाते हैं। तो ये की होंगे जो लोग विजिटर वीजे पर जाते हैं उन्होंने उन्होंने इंश्योरेंस होंगे, वो इंश्योरेंस करवा के जाते हैं इतों, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ने कि पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों मिल जाते हैं, उन्होंने बच्चे या तो उधर स्टूडेंट ने या फिर वो उधर पीआर भी हो चुके हैं, तो जिन्हें तो कनेडा जाके पक्के तौर पर कनेडा जा रहे हैं तो उन्होंने की जो इंश्योरेंस है उ कवर हो जाता है जो कि MSP के आ जाता है। बट जे कनेडा विजिट करने जा रहे हैं तो उन्होंने की है कनेडा के अगर कोई सेहत संबंधी समस्या आती है जो फिर हॉस्पिटल एडमिट होना पैदा। कनेडा के अगर तुम हॉस्पिटल एडमिट होंगे हो ना तो बहुत ज्यादा खर्चा होंगे, तो यह खर्चे तो बचने लिए जो तुम विजिटर वीजे या सुपर वीजे पर जा रहे हो तो तुम इंश्योरेंस करा के जानी जरूरी होंगी है। विजिटर वीजे पर जाने तभी इंश्योरेंस होंगी है, जो सुपर वीजे जाने तभी इंश्योरेंस होंगी है। तो यह इंश्योरेंस किमें है कल भी जरूरी है उस बारे अच्छ गल करा। पहले आप गल करा विजिटर वीजे बारे, जो तो विजिटर वीजे पर कनेडा जा रहे हो बेशक एक महीने लिए जा रहे हो या 6 महीने लिए जा रहे हो, तो जो वीजा है थोड़े अपने टाइम के कोई नहीं लगता, जिन्ने टाइम से उन्होंने लोड़ है घूमने लिए जा रहे हो, कोई मैरिज अटेंड करने जा रहे हो, कोई बर्थडे फंक्शन है वो अटेंड करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से थोड़ा वीजा लगता है। और जो वीजे तो बाद जो इंश्योरेंस करवाना है इंश्योरेंस भी तुम अपनी मर्जी न करवा सकते हो, ये 50,000 का भी हो सकता है, 1,00,000 का भी हो सकता है, इस तो ज्यादा भी हो सकता है, यह तो मर्जी है कि तुम अपना इंश्योरेंस कितना करवाना है। क्योंकि अगर तुम विजिटर वीजे पर कनेडा जाके अपनी पुरानी बीमारियां जी तो है उन्होंने रिकवर करना चाहते हो तो थोड़ा इंश्योरेंस है वह महंगा होगा। अगर तुम फिट एंड फाइन हो तो लगता है कि तुम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी इंश्योरेंस है वह सस्ता भी होगा। तो विजिटर वीजे जो इंश्योरेंस होंगे वह थोड़ी अपनी मर्जी है कि तुम कितने का इंश्योरेंस करवाना है। उस तो बाद अगे आ जाती है सुपर वीजे की गल, जे तुम सुपर वीजे पर जा रहे हो तो जरा इंश्योरेंस है वह घट्टो घट 1 साल का होंगे, 1,00,000 तक इंश्योरेंस घट्टो घट होना जरूरी है। ये यह भी है भी तुम यदि 0 डिडक्शन रखनी है या नहीं रखनी, मीनस के यदा मतलब यह होंगे कि अगर तुम कनेडा चले गए थोड़ा इंश्योरेंस होया हो हॉस्पिटल एडमिट होना पै भी जाता है तो अपनी जेब एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पे। अगर तुम एट ए टाइम अपनी जेब पैसे खर्च भी देंगे हो तो बाद में तो पैसे रिफंड हो जाते हैं, तो इन्ना क फर्क है विजिटर वीजे तो सुपर वीजे के सुपर वीजे तो 1,00,000 तक इंश्योरेंस करवाना जरूरी होंगे तो 1 साल का इंश्योरेंस होंगे। सो जे भी सुपर वीजे या विजिटर वीजे पर जाते हैं उन्होंने इंश्योरेंस करवा के जाना चाहिए चाहे तो फ्यूचर के जाके सेहत संबंधी अगर कोई समस्या आती है तो तुम ज्यादा खर्चा ना करना पवे, क्योंकि उतों के हॉस्पिटल बहुत महंगे ने जिदा खर्चा थोड़े लिए बहुत ज्यादा होगा। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग डिटेल अगर जानकारी लेनी है तो कनेडा की जी ऑफिशियल वैबसाइट है www.cic.gc.ca उस वैबसाइट तो जाके डिटेल जानकारी ले सकते हो, अपने इंश्योरेंस के रिगार्डिंग सारिया जो क्वायरीज थोड़ी हल हो जाएगी, क्योंकि असं तुम्हें सारी जानकारी बिल्कुल सही दें। सारा चैनल थोड़े लिए बनाया गया, तुम्हें किस तरह की कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती, सारी जानकारी जी है वह कनेडियन इमीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। सो अगर तुम साड़ी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करो ताकि आने वाली नवी वीडियोज़ नवी जानकारी सब तो पहला ले सको, तो वीडियो में लाइक और शेयर भी जरूर करो। साडे नाल गलबात करनी है तुहाडे पिछे दिते नंबर 98-8285-95,000 दे उपर तुसीं साडे नाल गलबात कर सकते हो, ते किसी भी वीजा रिगार्डिंग कनेडा रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लैनी है तुसीं लै सकते हो। थैंक यू।